भारत देश विविधताओं से भरा देश है। कहते हैं कि भारत को देखना है तो यहाँ के गांव में चले आइए। कई बार तो ऐसी जानकारियाँ मिलती है कि हैरत करे या विश्वास करे। भारत देश में आश्चर्य चीज़ों की कोई कमी नहीं है। यहाँ पर आपको कोई ना कोई अजब गजब चीज़ें देखने को मिलती है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारत देश के ऐसे 15 गाँव जो अजब गजब है। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ जगदीश वाघेला और स्वागत है आप सबका मेरी चैनल लेट्स एनरिच न्यू नॉलेज। इस वीडियो को अंत तक देखें और दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबाकर मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए करिए। चलिए तो जानते हैं भारत देश के वो 15 गांव जो अपने आप में कुछ खास है। सबसे पहले सेतपल। सेतपल विलेज को सांपों का गांव से जाना जाता है। यहाँ पर आपको हर घर में सांप दिखने को मिलेंगे। सेतपल गांव के लोग खास तौर पर सांप की पूजा करते हैं और उन्हें सुख समृद्धि का कारण मानते हैं। हैरान की बात यह है कि यहाँ किसी को आज तक सांप ने काटा नहीं है। दूसरे नंबर पर है रंगदोई। ये असम राज्य का एक छोटा सा गांव है। ये गांव की खासियत ये है कि यहाँ पर गांव के लोग बारिश के लिए मेढक तथा मेढकी की शादी करवाई जाती है। तो है ना अजब और गजब का गांव। तीसरे नंबर पे है मातूर। ये गांव कर्नाटक राज्य में आया हुआ एक छोटा सा गांव है। कर्नाटक राज्य की मातृभाषा कन्नड़ है, लेकिन ये गांव की खासियत ये है कि यहाँ पर लोग सिर्फ संस्कृत भाषा में ही बात करते हैं। इन लोगों के लिए संस्कृत में बोलना गर्व की बात है। तो है ना अजब का गांव ये। चलिए जानते हैं दूसरे गांव के बारे में। जम्बूर। ये गांव गुजरात के गिर जिले में बसा हुआ गांव है। ये गांव में गुजराती बोलने वाले अफ्रीकी रहते हैं। ये लोग शक्ल और सूरत से अफ्रीकन है। ये अफ्रीकन मूल के हैं। यहाँ पर आज भी सभ्यता और संस्कृति अफ्रीकन रीति रिवाजों से ही है। चलिए जानते हैं नेक्स्ट अजीब गांव के बारे में। नेक्स्ट है कोडिनी। कोडिनी केरल के मलप्पुर जिले में आया हुआ ये गांव है। यह गांव भारत के सबसे ज़्यादा जुड़वा बच्चों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर ज़्यादातर आपको जुड़वा बच्चे देखने को मिलेंगे। ये गांव में 400 से ज़्यादा जुड़वा बच्चे हैं। छठे नंबर पर है हिवरे बाजार। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में बसा ये छोटा सा गांव। ये गांव करोड़पति गांव से जाना जाता है। यहाँ पर 80 लोग से ज़्यादा करोड़पति है। एक समय ये बहुत गरीब लोग थे। आश्चर्य की ये बात है कि ये लोग करोड़पति कोई बड़े उद्योग या व्यापार से नहीं बने, लेकिन अपनी मेहनत से खेती काम करके इन लोगों ने पैसे कमाए हैं। तो ये गांव को करोड़पति गांव के नाम से जाना जाता है। 7वें नंबर पर है शनि सिंगड़ापुर। महाराष्ट्र में आया हुआ ये गांव। ये गांव शनि मंदिर के लिए फेमस है। यहाँ पर हजारों लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। लेकिन कहीं आपने सुना है कि घर हो और उस घर का दरवाजा ना हो? जी हाँ, सही सुना। ये गांव जहाँ कई घर बिना दरवाजे के है और यहाँ पे कोई चोरी भी नहीं होती है। तो ये है इस गांव की खास बात। 8वें नंबर पर है कुलदरा। कुलदरा राजस्थान के जैसलमेर में आया हुआ ये गांव है जहां पर कोई नहीं रहता है। ये गांव को भूत प्रेत का गांव भी कहा जाता है। गांव में कोई भी नहीं रहता क्योंकि लोगों का ये मानना है कि यहां भूत प्रेत है और सभी लोगों ने इस गांव को त्याग दिया है। इस गांव को हंटेड प्लेस भी कहा जाता है। 9वें नंबर पे है कोरलाई। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में आया हुआ ये गाँव। वैसे तो महाराष्ट्र की मातृभाषा मराठी है, लेकिन ये गांव के लोग पोर्टुगीज भाषा में बात करते हैं और इस गांव को पोर्टुगीज गांव के नाम से भी जाना जाता है। 10वें नंबर पर है बारवन कला। बिहार के कैमूर जिले में आया हुआ ये गांव। ये गांव की खासियत ये है कि इसे कुंवारों का गांव भी कहा जाता है। यहाँ पर पिछले 50 साल में एक भी शादी नहीं हुई है। लोग इस गांव में अपनी बेटी की शादी करवाना इसलिए नहीं चाहते क्योंकि ये गांव में पहुंचने के लिए आपको 4 किलोमीटर पैदल चलकर पहाड़ से होकर जाना पड़ता है। तो ये बहुत कठिन भरा रास्ता है, इसलिए इस गांव को कुंवरों को गांव के नाम से जाना जाता है। 11वें नंबर पे है पिपलांत्री। पिपलांत्री राजस्थान के राजसमंद जिले में आया हुआ ये गाँव है।
ये गांव की विशेषता ये है कि यहाँ पर हर किसी बेटी के जन्म पर लोग 111 पेड़ लगाकर बेटी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। तो ये बेटियों के लिए एक खास गांव के लिए जाना जाता है। 12वें नंबर पर है मलाना। मलाना हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में बसा ये गांव। यहाँ के लोग भारत के संविधान को न मानकर अपना खुद का कानून मानते हैं और अपनी हजारों साल पुरानी परंपरा को मानते हैं। ये गांव की खासियत ये है कि यहाँ के लोग अपने आप को सिकंदर के औलाद मानते हैं। इस गांव में बाहरी लोगों के लिए कुछ भी छूने पर पाबंदी है। इसके लिए इनकी ओर से बाकायदा नोटिस भी लगाया गया है। किसी भी चीज़ छूने पर 1100 से लेकर 11000 तक जुर्माना देना पड़ता है। तो अजीब और गजीब टाइप का ये गांव जो अपने आप में कुछ खास है। चलिए जानते हैं अगले गांव के बारे में। आज तक आपने इंसानों के आत्महत्या करने की तो बात सुनी होगी और पढ़ी भी होगी, लेकिन क्या आपने कभी पक्षियों की आत्महत्या करते हुए देखा है? असम राज्य के जातिंगा गांव की घाटियों में हजारों में पक्षी आत्महत्या करते हैं। ये रहस्यमय बात है। 14 नंबर पर है उपल। उपल ये पंजाब में आया हुआ ये गांव है। ये गांव की खासियत ये है कि यहाँ हर घर पर अलग अलग तरह के वाटर टैंक पाए जाते हैं। ये वाटर टैंक ट्रैक्टर, एरोप्लेन, सीप, लोटस या अलग अलग प्रकार के बने हुए हैं। खास प्रकार की टैंक लोगों का ध्यान आकर्षित करती है, जिनको देखने के लिए बहुत सारे लोग बाहर से आते हैं। चलिए जानते हैं अंतिम और 15वें गांव के बारे में। पुंसरी गुजरात के साबरकांठा जिले में आया यह गांव एक स्मार्ट एवं आधुनिक गांव से जाना जाता है। इस गांव की खासियत ये है कि इस गांव में पूरे गांव में वाईफाई लगा है। सरकारी स्कूलों में एवं पूरी गांव की सड़कों पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। गांव के अंदर ट्रांसपोर्ट के लिए मिनी बस की व्यवस्था भी है। इस गांव में चलता फिरता पुस्तकालय भी है और पूरे गांव में जानकारी देने के लिए स्पीकर भी लगे हुए हैं। इसलिए इस गांव को स्मार्ट विलेज कहा जाता है। तो दोस्तों, ये थे भारत के 15 अजब गजब गांव। अगर आपको आपके पास भी ऐसे कोई गांव के बारे में जानकारी है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और आपके अन्य दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।